हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि फिलहाल वी ऑल आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द यूपीपीसीएस ये अपकमिंग वैकेंसीज और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मेजर और माइनर चेंजेस भी आपके सिलेबस में हुए हैं। अगर हम इन सारी बातों के ऊपर गौर करें तो हमें ये पता चलता है जो ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं वो आपके मेंस पेपर में देखने को मिले हैं, जहां 2018 के दौरान आपके मेंस के अंदर 5 पेपर हुआ करते थे। अब जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होगा, खास तौर से यूपी जुडिशरी के अंदर, वहां पर आपको मेंस के अंदर 6 पेपर देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम जीएस पेपर की बात करें तो वहां पर भी आप देखते हैं कि जीएस के अंदर अलग अलग 9 माइनर लॉज को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो पेपर नंबर 6 आपका लोकल लॉ और पीनल कोड के नाम से ज़्यादातर फेमस था, उसके अंदर भी एक तो रेवेन्यू कोड को लाया गया और ज़मींदारी को हटाया गया, और उसके बाद रेंट कंट्रोल एक्ट भी आया और अपने साथ साथ रेगुलेशंस को भी लेकर आया, जिसका जिक्र आपने अभी हाल ही फिलहाल के नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिला होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार आपका पेपर उतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर हम सब्जेक्ट की संख्या देखें तो सब्जेक्ट की संख्या में वाकई में इजाफा हुआ है। और दिस इज़ दी बेस्ट टाइम कि जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत एक सही रणनीति के साथ कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल इस वक्त टारगेट फॉर आईक्यू पे पिछले 20 नवंबर सन 2022 से एक बैच रन कर रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 माइनर एक्ट के बारे में ही चर्चा की जाती है। आमतौर पे ये 9 माइनर एक्ट जीएस पेपर के अंदर एक माइलस्टोन साबित होंगे और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर मैं बैच की पर्टिकुलर टाइमिंग की बात करूं तो बैच का जो टाइम शेड्यूल है वो है सुबह 8 बजे। आमतौर पर यहाँ पर क्लासेस आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वे में आप एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स बकायदा आपको पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू सर्कुलेट किए जाएंगे और जो भी यूपीपीसीएस के अंदर टेस्ट सीरीज समय समय पर हमारे द्वारा लॉन्च की जाती है उसके अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। और हम सभी जान रहे हैं कि समय समय पे जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, उसके ऊपर हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज को डालते हैं, दैट इज प्योरली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। और इसी चर्चा की शुरुआत में आइए हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, और वो नया सब्जेक्ट आपका कहलाता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अगर हम इसको हिंदी वर्जन में देखें तो आमतौर पर ये कहता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब जब हम इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं तो वहां पर हमें चिल्ड्रन शब्द डिनोट होता है, और जब हम इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं तो वहां पर बालक शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि द वर्ड बालक डज नॉट इंक्लूड द वर्ड ऑफ बालिका, यानी कि उस बालक के अंदर आपकी बालिकाएं भी ऑटोमेटिकली शामिल है। अब जब हम इसके थोड़े बहुत हिस्टोरिकल या इसके फैक्चुअल बैकग्राउंड को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 32 ऑफ 2012, यानी कि 2012 के अंदर आमतौर पे ये आपका एक 32वें नंबर का कानून था, जिसको कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मंजूरी दी गई। अगर हम उस पर्टिकुलर डेट की बात करें तो वो डेट है 19 जून 2012। उसके बाद इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया 9 नवंबर सन 2012 को, और उसके बाद फाइनली ये आपका लागू हुआ, या अगर हम इसके डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करें तो वो है आपका 14 नवंबर सन 2012। अगर हम इस एक्ट के एक ओवरऑल शेड्यूल को देखते हैं या टोटल ओवरऑल व्यू की बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर टोटल 46 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग रूपों में 9 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है। और इसके अंदर आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि शेड्यूल की कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी इस एक्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इस एक्ट के अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस एक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही और एक बेसिक ऑब्जेक्ट है कि आमतौर पे हर वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके अंदर या उसके जहन में एक कंफर्ट की फीलिंग को पैदा करना।
आमतौर पे अगर हम इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऑल दो वी हैव अ इंडियन पिनल कोड, इवन दो वी हैव अ डिफरेंट प्रोविजंस जिसके अंतर्गत जो अक्यूज्ड होते हैं उनको सजा दी जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास भारतीय दंड संहिता थी तो आखिर पॉक्सो एक्ट के पीछे का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम इस एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो सिर्फ एक ही कहता है कि हमें हर एंगल से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, हर एंगल से बच्चों के अंदर एक सेंसिबल फीलिंग को इंसर्ट करना है जिसकी बदौलत वो डिसकंफर्ट जोन से बाहर निकले, जिसकी बदौलत वो भय के वातावरण से बाहर निकले। और आमतौर पे जहाँ ये एक्ट एक तरफ प्रिवेंटिव इन नेचर का है, वहीं दूसरी तरफ ये पुनिटिव इन नेचर का भी है। जहाँ पर एक तरफ ये एक्ट लोगों को आगाह करता है कि कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये एक्ट उनके लिए बाकायदा सजा का भी जिक्र करता है। और अगर हम इसके ओवरऑल क्रक्स की बात करें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रक्स है, और वो ये है कि ये एक ऐसे एटमोसफियर या एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करना चाहता है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो। और आमतौर पे अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसी बात के ऊपर खास तौर से एम्फेसाइज किया था, जहां पर उन्होंने इस बात के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया कि आमतौर पे हमें इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को नहीं भूलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी लेजिस्लेचर की भी है कि जिस उद्देश्य से वो इस एक्ट को बना रहे हैं, आमतौर पे इस एक्ट का जो मोटिव है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके हम इसको एक स्पेशल लॉस कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये एक नॉर्मल एक्ट है अन्य एक्ट की तरह, तो आखिर इसको स्पेशल लॉस की संज्ञा क्यों दी गई? तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास भारतीय दंड संहिता थी जहां पर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हमने पनिशमेंट का भी प्रावधान किया, लेकिन हमने ये देखा कि उसके अंतर्गत बच्चों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। एक तरफ लॉ ये कहता है कि ऑफेंडर की और जो विक्टिम है उसकी एज नहीं होती है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर एक ऑफेंस किसी अडल्ट के अगेंस्ट कमिट हो रहा है और अगर वही सेम नेचर का ऑफेंस एक बच्चे के अगेंस्ट कमिट हो रहा है, तो दोनों का जो मेंटल स्टेट है या दोनों की जो मेंटल स्टेमिना है उसके ऊपर आपको वेरिएशंस नंबर ऑफ लार्ज में देखने को मिलते हैं। तो इसको स्पेशल लॉ की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि तो आमतौर पे इसके अंतर्गत जिन इश्यूज को एड्रेस किया गया या जिन इश्यूज को रेज किया गया वो आमतौर पर ऐसे अपराध हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अगेंस्ट ही होते हैं। और अगर हम अपने मुल्क भारत की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर पे अगर ओवरऑल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो अभी भी हमारे यहाँ जो डेटास हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 42% हमारी जो आबादी है वो उन लोगों के ऊपर बेस्ड है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। इसका मतलब कि हमें उन 42% के प्रति बहुत ही ज़्यादा या विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुल मिला के ये एक वो दौर था जब आमतौर पे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को लेके लोग बात तो करते थे, लेकिन उसके लिए क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकता है, उसके लिए क्या पुनिटिव प्रावधान हो सकते हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं की जाती थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर ऑफ 2012 पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया गया। और ये नहीं कि पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर पुनिटिव प्रावधान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आईपीसी को नज़रअंदाज कर लेंगे। आमतौर पे वहां पर बकायदा इंडियन पिनल कोड की भी धाराएं लगती हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वैसे तो लॉ ये कहता है कि आमतौर पे हम किसी भी विक्टिम के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रखते हैं, चाहे वो अडल्ट हो या वो कोई चाइल्ड हो, लेकिन फिर भी अगर हम पुनिटिव मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो हमें ये देखने को जरूर मिलता है कि इन द केसेस ऑफ अडल्ट और इन द कंपैरिजन ऑफ द अडल्ट, चाइल्ड के केस में ऑफेंडर को या अक्यूज्ड को सजा काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। इवन कि चाइल्ड के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट, जहां पर उनके नॉट टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी, जहां पर उनके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन या उनके साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ योजनाएं हैं जिनको समय समय पे सरकार के द्वारा भी एग्जीक्यूशन में लाया जाता है। और जब हम इस एक्ट के एक बेसिक की बात करते हैं तो आमतौर पे यहाँ पर तीन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सेक्सुअल असॉल्ट, सेकेंड पार्ट इज नोन एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज दी पोर्नोग्राफी। तो आगामी जो भी वीडियोस आएंगी तो उसके अंदर हम लोगों का जो फोकस होगा वो यूजुअली सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर होगा, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर होगा और पोर्नोग्राफी को लेकर होगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। आमतौर पे हर एक्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस होते हैं, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है जिनसे ज़्यादातर सवालों को रेज किया जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल एक बैच ऑलरेडी आपका चल रहा है। और अगर आप उस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे आप कॉल या मैसेज करके इनरोलमेंट के प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। कल फिर एक बार आपके साथ मुलाकात होगी इसी पॉक्सो ऐप के एक नए टॉपिक को लेके। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू।